हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भाई सुशांत दादा, आप देख रहे हैं हमारे चैनल वाइट सुशांत। आज के वीडियो में बात करेंगे आप वीडियो में सॉन्ग कैसे यूज कर सकते हैं, उसके तीन तरीके हैं। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, पर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट टाइप, आप कैसे यूज़ करते हैं सॉन्ग को अपने स्टेटस वीडियो जो चैनल होता है उसके लिए। तो आपको, आप स्टेटस चैनल के होंगे तो आपको पता होगा कि आपके बड़े क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। बट कैसे, कुछ जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं यूट्यूबर्स, वो भी बड़े क्रिएटर्स होते हैं, तो उस सॉन्ग को ट्रांसफर करते रहते हैं एक दूसरे की तरह। आपको सॉन्ग यूज़ करना है उस सॉन्ग में दो चीज, वैसे सॉन्ग में दो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, और सेकंड, आपको नीचे क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। ये दोनों नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप से, और दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, आपको ये तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप चलते दूसरे टाइप से। अगर आपको कोई सॉन्ग यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने अपने तरफ से एडिटिंग करनी पड़ेगी, जिससे वो सॉन्ग वाला आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना दे पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई गेमिंग चैनल है, वो गाना लगाता है अपने वीडियो में, तो देखना उस गाने पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, लेकिन कभी स्ट्राइक नहीं आएगी। बहुत कम रेयर केस में होता है कॉपीराइट क्लेम भी आए। कुछ जब वो सॉन्ग यूज़ करते हैं तो उसमें गोलियों की आवाज़ भी आती है, जिससे उनका थोड़ा वैसा हो जाता है कि एडिटिंग की तरह, कि ये नहीं कह सकते भाई तुमने सब पूरा सॉन्ग यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, जिससे आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो आपको क्या करना है, जो भी सॉन्ग यूज़ करो उसमें डीजे वाला धुन आप डाल सकते हो, या डीजे वाले जो इफेक्ट सारे होते हैं वो डाल सकते हो। बट कैसे डालोगे, यूट्यूब पर आप जैसे वीडियो डालोगे डीजे म्यूज़िक कैसे बनाया, तो बहुत से वीडियो आ जाएगा, वहाँ से कोई वीडियो देख के आप बना सकते हो, आसानी से यूज़ कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब चलते हैं थर्ड टाइप की ओर। अब फ्रेंड्स, थर्ड टाइप, आप सॉन्ग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तीसरा तरीका। जैसे आपने बॉलीवुड सॉन्ग सुना होगा, तो बहुत सारे होते हैं सॉन्ग जो पुराने सॉन्ग को रिमिक्स करते हैं, तो वो करना है क्या, जो पुराने सॉन्ग है और जो अभी के सॉन्ग है, उन दोनों के बोल को यूज़ करना है। जैसे पहले स्टार्टिंग करना है पुराने सॉन्ग से, फिर 15 सेकंड नया सॉन्ग, फिर पुराना सॉन्ग, फिर नया सॉन्ग, फिर पुराना सॉन्ग, फिर नया सॉन्ग 15 सेकंड, ऐसे यूज़ करोगे तो कम चांसेस होते हैं कि कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आपको मिल सके। और ऐसे ऐसे होगा कि पुराना सॉन्ग और नया सॉन्ग दोनों मिल के बनेगा एक सॉन्ग, तो आपको बहुत कम चांस होगा कि वो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे पाए। ठीक है, और उस भाई का कमेंट था, तो हमने उस जितना हमें जाते थे हमने कर दिया, बट उनका कमेंट था कि हम सॉन्ग को क्रिएटिव कॉमन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़े हम बता देते हैं कैसे कर सकते हैं। जो वीडियो होती है, जैसे आप जाएंगे कोई सॉन्ग, मैशअप सॉन्ग यूज़ कर सकते हो खाली, जिससे वो कॉपीराइट फ्री होता है वो। ठीक है, जैसे उस सर्च करोगे मैशअप सॉन्ग, तो आपको कोने में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाना है आपको, फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर में क्रिएटिव कॉमन कर देना और अप्लाई कर देना, और जो वीडियो आएंगी वो वीडियो यूज़ कर सकते हैं, बट तभी यूज़ करते हैं जब ओनर ने उस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन किया हो। ठीक है, अगर किसी ने किसी का सॉन्ग यूज़ कर लिया है फ़ायदे के लिए, उस पर कुछ आ गया है, आपने उसका वीडियो यूज़ कर लिया, तो आप पे भी आ जाएगा, पहले आपको बता दूँ मैं, तो इसलिए संभाल के यूज़ करें। और आप ऐसे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आपको पे स्ट्राइक नहीं आने वाला है, बट कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। क्लेम ज़्यादा हार्मफुल नहीं करता आप चैनल को, बट आ सकता है। ठीक है, और खाली थोड़ा बहुत दिक्कत होगी कॉपीराइट क्लेम से, स्ट्राइक से कोई स्ट्राइक तो आने नहीं वाली, क्लेम से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए जाके, जिसमें हम कॉपीराइट क्लेम के बारे में बता रखा है कि कैसे होता है, कैसे आता है, और इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉपीराइट स्ट्राइक से फर्क पड़ता है। कॉपीराइट स्ट्राइक 2 बार आ गई, और तीसरी बार 3 महीने में 3 बार स्ट्राइक आपको मिल गई, तो आपको चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक ले बाय और टेक केयर माई ऑल यूट्यूब फैमिली।